Hi guys, this is Harshita. Welcome or welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really, really great. कल महाशिवरात्रि है तो मैं खीर बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज एक रील देखी थी. उसमें था कि मतलब महाशिवरात्रि से पहले वाली रात को ट्राई करो कि अनियन वगैरह कुछ मत खाओ, तो आज लाइक और खीर खा सकते तो खीर खा लो. और मैं वो करती हूँ, क्या कहते हैं, 16 सोमवार के व्रत, तो उसमें मोस्टली मैं खीर बनाती हूँ. एक मिनट. हाँ, तो मैं कह रही थी उसमें मैं मोस्टली खीर बनाती हूँ, तो आज लाइक ठीक है आज भी बना लेते हैं. एंड मेरे नाइस मेरे लिए महाशिवरात्रि मतलब मेरा इतना कोई फेवरेट त्यौहार ही नहीं है. मतलब मेरे को दिवाली भी मतलब कर रही हूँ, मतलब मेरे को दिवाली भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. मतलब लोगों का होता है कि किसी को होली पसंद होती है, किसी को दिवाली पसंद होती है. मेरा बचपन से ही मतलब महाशिवरात्रि मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि गांव में मैं थी तो हम लोग, हमारे गांव में बहुत फेमस शिव जी का टेम्पल है एंड दूर दूर के गाँव से वहाँ लोग जल चढ़ाने आते थे. तो मेरी मेमोरी ये है जब मैं दादा दादी के पास रहती थी कि सारे बड़े पापा, सारी बुआ, सब लोग मिलके फिर गांव आते थे एक रात पहले. एंड देन फिर हम सुबह 4 बजे नहाने के लिए लाइन लगाते थे, कौन पहले नहाएगा. एंड देन फिर उसके बाद हम जल चढ़ाने जाते थे और वहां पे साइड में ही मंदिर के साइड में मेला लगता था. फिर शाम को या फिर जल चढ़ाने के बाद अगर दिन हो जाता था फिर हम वहां से मेले में से सामान खरीदते थे, झूला वूला झूलते थे. तो मेरी हमेशा से महाशिवरात्रि फेवरेट रही और मेरे को कल के लिए इतनी खुशी हो रही है. मैं पूरा साल वेट करती हूँ कि महाशिवरात्रि कब आएगी. मैंने तेल लगा रखा है क्योंकि कल मेरे को सिर धोना है और अभी मैं खीर बना रही हूँ. एंड अगर मेरे को याद रहा सुबह मैं लेट, क्योंकि मेरे को ना कल काम पे भी जाना है और मेरे को फास्ट भी रखना है, तो और मेरे को काम पे पहुंचना है 8:30 और मेरे आसपास ना कोई शिव जी का मंदिर इतनी जल्दी खुलता नहीं है. तो क्या कहते हैं, एक मंदिर है जो मुझे बहुत पसंद है, हिंदू हेरिटेज टेम्पल करके है वो, मिसिसागा साइड. वहाँ मैं जाऊँगी सुबह उबर करके. एंड अगर मेरे को मतलब इतना याद रहा तो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी. बट यस, आई एम सो एक्साइटेड. आप सभी को भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस. ये देखिए मेरी खीर, इसमें थोड़ा दूध मैं अभी और डालूंगी क्योंकि चावल थोड़े शायद कच्चे रह गए हैं. लेट मी टेस्ट. बट अच्छी सी खीर बनी है, खीर खाऊंगी. एंड सी यू गाइस. मॉर्निंग गाइस, हम आए काम पे. जैसे कि मैंने लास्ट क्लिप में बताया था कि हमें मंदिर जाना है सुबह, फिर मैंने रात को चेक किया कि पूजा की टाइमिंग शाम को है मतलब, तो मैंने सोचा अब काम से आके ही मंदिर जाऊंगी. और किसी ने ये भी बोला था कि पूरा रात अगर जग सकते हो तो जग के, चार टाइम पूजा कुछ है, तो एक मंदिर है मेरे घर के पास ही है, वो पूरी रात पूजा रख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ जाऊँगी. अभी फ़िलहाल हम काम पर चलते हैं. मॉर्निंग गाइस, मैंने सिर धोया और मेरे बाल अब ऐसे चपटे से हो रहे हैं. एनीवेज, दिस इज माय ऑफिस जो मैं नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ऑफ कंपनीज पॉलिसीज. तो हम बाहर चलते हैं. आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, 20 मिनट जल्दी आ गई हूँ, पता नहीं कैसे. मैथ इज नॉट मैथिंग, मुझे पता याद भी नहीं है कि मैं घर से किस टाइम निकली हूँ और जल्दी कैसे आ गई हूँ. बट ओके, हाय गाइस, हम जा रहे हैं मंदिर. जैसे मैंने सुबह बताया था कि एक मंदिर है जो रात पूरी रात पूजा रखेंगे, वहाँ जा रहे हैं हम. सूट डाला हुआ है मैंने, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ सबवे से जाऊँ या फिर उबर करके. अभी कुछ देर में दिखाती हूँ.
मेरी पूरी आउटफिट, बड़ा अच्छा सूट है ये, मैंने लिया था अमेज़ॉन से, मैंने ये सूट ऑर्डर किया था और बहुत टाइम तक आया नहीं। मैंने दिवाली के लिए ऑर्डर किया था एंड बहुत टाइम तक आया नहीं, और फिर क्या कहते हैं मेरे, मैंने रिफंड एक रिक्वेस्ट भेजी, रिफंड आ गया मेरे पास एंड फिर 2 महीने बाद सूट भी आ गया। आई वाज लाइक नाइस, दिस इज द आउटफिट गाइस, इग्नोर द तौलिया, इग्नोर द चप्पल एज वेल, चप्पल मेरी रूममेट की है। तो थैंक यू दीदी, शायद आपको व्लॉग देख के पता चलेगा आपकी चप्पल पहन के जा रही हूँ, बट मेरे पास सूट के नीचे पहनने के लिए ना कोई चप्पल नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू वेयर चप्पल पहन एंड दैट्स लेट्स गो टू मंदिर। मतलब इतनी एक्साइटमेंट ना मुझे कहीं जाने के लिए नहीं होती जितनी मेरे को मंदिर जाने के लिए होती है, स्पेशली ऑन महाशिवरात्रि। लाइक कुछ बात है, मतलब कुछ तो बात है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः।